स्टारफिश और एस्टेरियस, ये सितारा मछली, ठीक है। ये वैसे तो मछली जैसी कुछ दिख नहीं रही है, बट इसको नाम दिया गया सितारा मछली या स्टार फिश, बट इट इज नॉट अ ट्रू फिश। ये फिश वाले क्वेश्चंस में आपके आता भी है कि कौन से इसमें ट्रू फिश है, आपको दो तीन नाम दे दिए जाएंगे, स्टार फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश एंड लेबियो, तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सी आपकी रियल फिश है। अभी आप कमेंट में बताना कि ये इसमें से मैंने जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से कौन सी रियल फिश थी, ठीक है। तो आज हम स्टार फिश स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार फिश का हम इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने जीनस एंड स्पीसीज नहीं लिखा है, जो हम अभी लिख लेंगे, एंड इसके क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसके जितने भी जनरल फीचर्स हैं, जितने भी हमारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं, वे सारे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले मेरे लेक्चर्स आपके लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ में। ये किस फाइलम का मेंबर है? स्टारफिश मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का। इसका सब फाइलम है एस्टेरोजोआ एंड क्लास है एस्टेरॉइडी। फाइल ऑर्डर है फॉर्सिपुलेटा। जीनस है एस्टेरियस। स्पीसीज है रूबेंस, रूबेंस, ठीक है। एस्टेरियस रूबेंस को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये कैसी होती है? फ्री लिविंग होती है। इस सब फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं सारे फ्री लिविंग होते हैं। जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं बेंथोइक होते हैं। इसकी बॉडी स्टार लाइक होती है, पेंटामेरस होती है विद अ स्मॉल सेंट्रल डिस्क। एक बार डायग्राम को देख लेते हैं तो थ्योरी पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये इसकी बॉडी है, ठीक है। ये हमने इसका एबोरल व्यू दे रखा है यहाँ पे, यानी ऊपर का जो व्यू है एबोरल व्यू, और दूसरा जो व्यू है वो नीचे का व्यू है ओरल व्यू, ठीक है। ओरल में माउथ होता है, एबोरल में एनस एंड मेड्रिपोराइट है, क्लियर। तो इसमें सब दो पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। ये सेंट्रल डिस्क है जो पेंटागन के शेप में होती है, इस तरह से देखो। ये इसकी ये सेंट्रल डिस्क है जो कि पेंटामेरस है, एंड इस सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट है एनस एंड मेड्रिपोराइट। और इसके आर्म्स है, फाइव आर्म्स होती हैं जिसपे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इकाइनस मींस स्पाइंस एंड डर्मेटा मींस स्किन, स्किन पर स्पाइंस प्रेजेंट है। और ये इसकी ओरल व्यू है, इसमें सेंट्रल में माउथ होता है, इसका माउथ भी पेंटामेरस माउथ होता है। इसके अलावा इसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ट्यूब फीट है जिन पर भी स्पाइंस है, और ट्यूब फीट, ट्यूब, ये ट्यूब फीट, ठीक है। इसमें ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव जो है इसे हम एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं, जो खाली जगह है जो जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप स्टडी करोगे वो एम्बुलेक्रल ग्रूव है। और इसके बाद यहां पर माउथ के चारों ओर ये जो डार्क डार्क कलर की दिख रही है इसे हम पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। माउथ के पास में क्या प्रेजेंट होती है? पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन। अब हम थ्योरी देखना स्टार्ट करते हैं। आपने पोजीशंस देख ली, अभी इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे जब हम मेड्रिपोराइट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउथ इज अ फाइव एंगल्ड अपर्चर ऑन ओरल सर्फेस। एबोरल सर्फेस पे क्या क्या प्रेजेंट है? एनस, मेड्रिपोराइट, सर्कुलर सीव प्लेट हुज माइन्यूट पोर्स। ये जो मेड्रिपोराइट है ये एक्चुअली वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इसके पार्टिसिपेट करता है। मेड्रिपोराइट ऐसे सर्कुलर होता है, छन्नी के जैसा होता है। छन्नी देखिए ना घर में जिसमें से चाय छानते हैं, उस छन्नी के जैसा होता है। उसमें बहुत छोटे 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 माइन्यूट पोर्स होते हैं, वहां से वाटर जो मरीन वाटर है वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद इसकी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए आर्म्स में जो ट्यूब फीट हैं उनमें चला जाता है, और वहां से ये बाहर निकलता है पानी। वहां से जब पानी बाहर निकलता है तो उस फोर्स के कारण ये मूव कर पाता है, अपनी जगह से दूसरी जगह चल पाता है, ठीक, क्रीप कर पाता है। तो इसकी क्रीपिंग में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और कौन कौन से काम में हेल्प करेगा इसके? इसको फूड कैप्चर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब मूव करेगा तभी तो फूड कैप्चर करेगा, फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर देगा। और किस चीज में हेल्प करेगा इसको? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अभी आगे सब कुछ आएगा। एम्बुलेक्रल ग्रूव, एम्बुलेक्रल ग्रूव ओरल सरफेस पे हमने देख ली। एम्बुलेक्रल ग्रूव में क्या क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईच एंगल ऑफ द माउथ। माउथ के दोनों तरफ देखा ना वो ग्रूव है, बीच में जो डार्क कलर का हमने बैंड बनाया है उसके बीच में वो ग्रूव जो खाली स्थान है उसे हम ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। मिड लाइन में होती है ओरल सर्फेस में, हर एक आर्म में, ठीक है। ईच एम्बुलेक्रल ग्रूव contains two double rows of short and tubular retractile projections, जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट या पोडिया। जो डार्क कलर का बनाया था ना वही है ट्यूब फीट या पोडिया,
क्लियर। ट्यूब फीड हेल्प कर रहा था लोकोमोशन में, फूड कैप्चर में एंड रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, इसमें एंट्रोसील प्रेजेंट होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। एंट्रोसील में सिलोमिक फ्लूइड फिल्ड रहता है, इस सिलोमिक फ्लूइड में ही फैगोसिटिक एमीबोसाइट्स एंड सिलोमोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसके सिलोमिक फ्लूइड से ही बना होता है, जिसको हम हीमल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल लोकेटेड होती है इसकी ओरल सरफेस से अब ओरल सरफेस तक, ठीक है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसका स्टमक दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रॉक्सिमल कार्डियक एंड डिस्टल को पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिस्टल वाला पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है, इसमें पाइलोरिक डक्ट के थ्रू सिक्रीशंस आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वे सिक्रीशन किस ग्लैंड से आते हैं? बाइपेक्टिनेट पाइलोरिक ग्लैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे पॉइंट है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी इसमें ग्लैंड होती है? बाइपेक्टिनेट पाइलोरिक ग्लैंड होती है। स्टारफिशेस कार्निवोर होती है, जो कितने भी मोलस्क होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये उन्हें खाती हैं, ठीक है। लोकोमोशन इसमें ट्यूब की हेल्प, ट्यूब फीड की हेल्प से होता है, मैंने बताया कैसे होता है। मेड्रिपोराइट से वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर करता है, फिर बॉडी में फ्लो करता है और ट्यूब फीट में चला जाता है। ट्यूब फीट में पानी फोर्स से बाहर निकलता है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प हो जाती है इसकी। क्यों? पैरों से, इसके आर्म्स जो है वहां से पानी तेजी से फोर्स से निकल रहा है तो वो इसको ऊपर उठाती है और आगे बढ़ा देती है, ठीक है। ये हो गया। स्टारफिश डू नॉट हैव ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें साइनसेस एंड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलकर हीमल सिस्टम बनाते हैं, और जो इसका सिलोमिक फ्लूइड होता है वो ही ब्लड की तरह एक्ट करता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इसमें डर्मल ब्रैंकियाई के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एब्सेंट, ठीक है। एंड टू वेस्ट, जिसका नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो सिलोमिक फ्लूइड से कलेक्ट करेगा, सिलोमिक फ्लूइड में कलेक्ट हो जाएगा एंड जो डर्मल ब्रैंकियाई होते हैं उसके थ्रू बॉडी से पास कर दिया जाएगा। नर्वस सिस्टम ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन एब्सेंट होता है, इसमें सिंपल एंड प्रिमिटिव होता है, बट इसमें सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा विसरल प्लेक्सस एंड गैंग्लियन भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, बट ब्रेन एब्सेंट होता है, हेड नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता है, ठीक है। नर्व नेट, फ्यू गैंग्लियॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, विसरल प्लेक्सस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बट कौन कौन से हैं? जो भी हैं वो हैं न्यूरोसेंसरी सेल्स स्किन में जो प्रेजेंट होते हैं, टैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं, और हर एक आर्म जो होती है, जो फाइव आर्म्स हैं, उसके टिप पर रेड आई स्पॉट होता है, ठीक है। सेक्सेस डायोसियस होता है, यानी कि सेपरेट होते हैं दोनों सेक्सेस, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, एंड दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होती है। ये नहीं होने का मतलब क्या है? आप देखकर नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दिखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंपल होता है, फाइव पेयर ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, यानी इसमें कॉपुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जो फीमेल होगी वो एग लेकर देगी और जो मेल होगा वो उसके ऊपर स्पर्म्स को लेकर देगा, और यहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सी वाटर के अंदर ही होगा, लार्वा निकलेगा इससे बाइपिनेरिया लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग होगा। कैसा होगा? फ्री स्विमिंग होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट इसका लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और ऑब्वियसली मेटामॉर्फोसिस होगी, क्योंकि अगर कोई लार्वा बन रहा है जो कि बिल्कुल अलग है अपने एडल्ट से, तो वो मेटामॉर्फोसिस होकर ही तो एडल्ट के जैसा बनेगा, तो मेटामॉर्फोसिस होगी। इसके अलावा दो पॉइंट्स यहाँ पे और नोट डाउन कर लो। ऑटोटॉमी होती है, ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कट करके अलग कर सकती है। अगर किसी प्रिडेटर का अटैक होता है डिफेंस में, ये अपनी बॉडी के पार्ट को यानी आर्म को कट करके अलग कर सकती है और बाद में वो रीजेनरेट हो जाएगी, यानी रिमार्केबल कैपेसिटी होती है रीजेनरेशन की, ठीक है। रीजेनरेट करने की कैपेसिटी रिमार्केबल होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे। स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।